हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस नॉलेज हब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ अप्रैल के जो फर्स्ट वीक है उसके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्व दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा का निधन जो कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो जी हाँ, इनका जो निधन हुआ है वो 79 ईयर्स के थे। फ्रेंड्स, बेनी प्रसाद वर्मा जी जो थे, जो समाजवादी पार्टी के एक सदस्य थे, और इनकी जो इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, और इनकी जो डेथ हुई है वो 27 मार्च 2020 को हुई है। तो ये जो समाजवादी के एक लीडर थे, और ये इन्होंने जो है एक समय ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। 2016 से 2020 तक ये राज्यसभा के मेंबर भी थे समाजवादी पार्टी की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कब भारत ने COVID-19 के WHO परीक्षण में हिस्सा लेने की घोषणा की है? जी, ये घोषणा भारत ने 28 मार्च में की थी, और जो भी परीक्षण अब WHO द्वारा किया जा रहा है उसमें भारत भी हिस्सा लेगा। इससे जो है कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी तिथि को जो है फूल डे या मुल्क दिवस बनाया था? यह बहुत ईजी है, आपको बताओ, 1 अप्रैल के दिन ये बनाया था। एशियाई विकास बैंक NIIF में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है? तो एशियाई विकास बैंक का सही आंसर होगा 100 मिलियन डॉलर। फ्रेंड्स, NIIF क्या है? तो NIIF है कि भारत का एक फंड कोष है, यानी कि हाँ भारत अपना पैसा रखता है, एक प्रकार का भारत का कोष है। इसका जो हेडक्वार्टर है NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में मुंबई में है, और इसके जो इस टाइम में जो डायरेक्टर हैं वो प्रकाश राव हैं। और जो ADBA है, एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक जो है, ये इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस में है, और इसके जो इस टाइम इसमें जो मेम्बर्स हैं वो 68 कंट्रीज इस समय इसमें हैं। और ADB की जो स्थापना हुई थी वो 16 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मौ प्रीतवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा, ओडिशा सरकार ने मिलकर ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने COVID-19 के लिए इंट्रानेजल वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा भारत। ये जो वैक्सीन की विकसित करने को कोशिश कर रहा है, ये भारत मिलकर इस कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से एशियाई युवा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशियाई युवा खेलों का जो आयोजन होगा वो चीन में होगा इस बार। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश को 6.2 मिलियन टन आवश्यक वस्तुएं या दवाएं मुहैया कराई हैं? तो मालदीव को भारत ने ये दवाएं मुहैया कराई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा भारत में इस बार, ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो आयोजित कराया जाना संभव है। निम्न में से उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ओडिशा की जो स्थापना है वो आपकी 1 अप्रैल को हुई थी। फ्रेंड्स, जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, उड़ीसा भारत का एक तटवर्तीय राज्य है, और उड़ीसा के जो इस समय चीफ मिनिस्टर है वो नवीन पटनायक हैं, और जिसकी जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, और जो गवर्नर है उड़ीसा के इस समय वो है गणेशी लाल, और पॉपुलेशन है यहाँ 4.66 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने कोरोना टाइम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, IIT बॉम्बे ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते जापानी हास्य अभिनेता केन शिमुरा का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? तो इनका जो निधन हुआ वो 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। फ्रेंड्स, केन शिमुरा जो थे वो जापान के एक कॉमेडियन थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो 20 फरवरी 1950 को हुआ था टोक्यो जापान में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 29 मार्च जो इनका टोक्यो जापान में इनकी मृत्यु हुई है।
इनका जो क्वेश्चन आने की संभावना ये है कि जो कोरोना वायरस से जो अभी तक के ये पहले से जापानी कॉमेडियन हैं जिनकी कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हुई है, तो इसीलिए सुर्खियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LNT ने PM केयर्स फंड में कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? तो LNT ने 150 करोड़ का अनुदान PM केयर में दिया है। फ्रेंड्स, LNT जो है लर्जन एंड टर्बो, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और PM केयर में इन्होंने 150 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। फ्रेंड्स, PM केयर जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष है जो कोरोना वायरस से जो भारत सरकार है उसके लड़ने के लिए, अर्थात उसमें जो जरूरी कदम उठाए जाने हैं उसके लिए फंड एकत्रित किया जा रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप भी इसमें PM केयर में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राजकोप सिटीजन ऐप मोबाइल ऐप जारी किया है? तो ये एप्लीकेशन जो जारी किया है ये राजस्थान ने जारी किया है, इसका नाम है राजकोप सिटीजन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व ऑटिज्म या आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो जागरूकता दिवस है ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने COVID-19 पर अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च की है? तो ये भारत ने लॉन्च की है, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता COVID-19 पर भारत ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM केयर फंड में दिए गए दान पर कितने प्रतिशत कर छूट के लिए आदेश पारित किया है? तो भारत सरकार ने जिन लोगों ने भी इस PM केयर फंड में दिया है, कोई जो टैक्स लगता था उस टैक्स में अब छूट दी गई है, जो इस PM केयर में अपना फंड देगा उस पर उसका जो राशि होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो जो टैक्स की छूट है वो 100% छूट होगी, अर्थात कोई भी टैक्स अब नहीं लगेगा। यदि आप PM केयर में 150 करोड़ या 150 या 300 करोड़ भी दे रहे हैं तो वो टैक्स फ्री होगा, उस जो राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो है कर्नाटक ने लॉन्च किया है कोरोना वॉच मोबाइल ऐप। के बाद है, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो ये जो है वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जो है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए 2022 तक निरस्त कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट ऐप के ने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? तो ये जो है फोनपे ने स्टार्ट की है। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप वीडियो को लगातार अंत तक देखें उसके बाद आप लाइक करें या शेयर करें, वो आपकी इच्छा है, करें ना करें, परंतु आप इस हर वीडियो पर जो भी आप देखते हैं उस पर कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, इस तरीके को आपको इशू नज़र आता है वीडियो में, क्या गलती है या कोई साउंड में जिस तरीके भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, जिससे क्या होगा मैं सुधार करूंगा और अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए विस्तार किया है? तो विदेश व्यापार नीति को भारत सरकार ने 1 साल तक के लिए जो है का विस्तार कर दिया है। निम्न में से वन्य जीव दिवस कब बनाया जाता है? तो वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को बनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमारा जो 2020 में जो बनाया गया था 3 मार्च को बनाया गया था, और ये जो है जो 68वां सीजन था। अब ये जो है हमारा इसमें जो जितनी भी कंट्री हैं UN में ये सब कंट्री से मिलकर बनाती है, अर्थात इंटरनेशनल जो हमारा एक डे है। हाल ही में किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए 20F टनल की शुरुआत की गई है? तो ये जो है आपका तेलंगाना में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किसे NTPC ने अपने नए HR निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इन्होंने जो है अपना नए निदेशक के रूप में जो है दिलीप कुमार पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो जो इस समय जो है भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जीवित बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो हैं बॉब बैटन, उनसे पहले जो थे मीना किताग्वा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डकवर्थ लुईस नियम देने वाले टोनी लुईस का निधन कितने वर्ष की आयु में है? जो डकवर्थ लुईस नियम है, अगर था बारिश वर्षा जो हो जाने के कारण
मैच स्थगित करना पड़ता था, या तो इनके जो डेकवर्थ लुईस नियम लाए थे वे टोनी लुईस लाए थे, और जो टोनी लुईस है उनकी जो मृत्यु हो गई है इस समय, तो ये कितने वर्ष के थे, तो ये 78 वर्ष के थे। फ्रेंड्स ये तो हैं डेकवर्थ, और ये जो हैं जो लुईस हैं जिन्होंने ये इनके मतलब इनकी प्रेरणा लेकर के नियम निकाला था बारिश में जो मैच रद्द हो जाते थे उनका एक निर्णय निकालने, यानी कि इस रूल के आधार पर उनका निर्णय लेने के लिए कि कुछ गेम ऐसे होते हैं कि उनका रद्द करना या उन्हें टाई करना अच्छा नहीं होता, इनका निर्णय आना जरूरी होता है। तो इस तरीके से इन्होंने डेकवर्थ लुईस नियम निकाला था। ये 78 के जो एज में इनका देहांत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉ प्रीतवा सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की है, तो ये ओडिशा सरकार ने आयोजित की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस कब बनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस जो है वो 4 अप्रैल को बनाया गया, यानी माइनिंग डे। फ्रेंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस होता है ये इसके राष्ट्रीय में जो जितनी माइनिंग हमारे देश में दुनिया में होती है उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस का बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में कुल कितने जिलों में राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण किया गया है, तो भारत में ये अब तक 410 जिलों में ये सर्वेक्षण हो चुका है। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है, तो ऑपरेशन संजीवनी जो भारत ने स्टार्ट की है। निम्न में से कौन कब तक नासा ने चांद पर मानवीय के बेस कैंप बनाने की घोषणा की है, यानी कि वे मानव को वहां बसा देगी, अर्थात मानव का एक बेस कैंप वहां बनाने की घोषणा की है चांद पर नासा ने, तो ये जो है 2024 तक ये कारनामा करने की इनकी संभावना है। हाल ही में दिग्गज अभिनेता फॉरेस्ट कॉप्टन का कोविड-19 के चलते कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो इनकी जो 94 ईयर्स के थे, इनका जो है कोरोना वायरस की इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग के चलते किस देश के वेट लिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 पर बैन लगाया गया है, तो जो टोक्यो ओलंपिक में थे उन पर डोपिंग के दौरान उन पर बैन लगाया गया है, वे कौन से देश के थे, तो ये जो थे थाईलैंड और मलेशिया, दोनों देशों के जो वेट लिफ्टर थे उन पर इसका डोपिंग के चलते इस पर बैन लगा दिया गया है 2020 में। फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है, वह देश जिसने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को अनुमति दी है, तो ये कौन सा देश है जिसने इस दवा जो मलेरिया के इसमें इस्तेमाल होती है, राजस्थान में बहुत ज्यादा करंट में टॉपिक चल रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में, ये एक दवा जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, और किस देश ने इसे जो निर्यात अर्थात अपने देश से बाहर भेजने की अनुमति दी है, तो कौन सा देश है आपको इसमें ये आंसर कमेंट में बताना है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, तो जिसे भी याद हो कृपया करके कमेंट में इसका आंसर दें। फ्रेंड्स मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उसे शेयर करें, अन्यथा अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, कोई त्रुटि नजर आ रही तो कृपया करके कमेंट अवश्य करें कि हाँ आपकी वीडियो में यहाँ त्रुटि है या इस वजह से हम इसको लाइक नहीं कर रहे, तो कृपया करके आप जो भी समय समस्या हो त्रुटि हो मेरे बनाने में वीडियो, तो आप इसका जरूर कमेंट में मुझे बताएं, मैं अगली वीडियो में इसका सुधार करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।